अच्छा जी, खड्डा मार्केट पे खाना हमने खा लिया, मज़ेदार खाना था और तवा पीस था जो हमने खाया, उसके बाद अब पी रहे हैं हम चाय। यहीं साथ ही कैफ़े प्याला नामी रेस्टोरेंट है और वहाँ पे मिलती है कश्मीरी चाय, तो हमने सोचा अब कश्मीरी चाय जो है वो भी यहाँ पे ट्राई करते हैं। और काफ़ी देर तक पहले ये पकाई जाती है, फिर उसके बाद उसमें मेवे डाले जाते हैं और फिर जो है ये चाय तो इस तरह तैयार होती है। अब इसका भी टेस्ट चेक करता हूँ कैसा है। ज़बरदस्त चाय है, अच्छी चाय है और कश्मीरी चाय है। वैसे ये सर्दियों की ही सौगात है और सर्दियों में ही ये इस्तेमाल की जाती है, सर्दियों में ये पी जाती है। ये कैफे प्याला खड्डा मार्केट फेस पाइप और हॉट एंड स्पाइसी के बिल्कुल सामने कश्मीरी चाय। सर ये मतलब ये जो हमने रखी हुई है और ये 5 बजे से अभी तक पक रही है, 12 बज रहे हैं, मतलब इसकी अपनी पत्ती है, अपनी इलायची है इसकी। जितनी मतलब आप लोग पकाओगे मतलब इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा। इसकी अपनी पत्ती और इलायची है, दूध है, दूध इसकी क्वालिटी दूध अलग से होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल गाढ़ा, ये आम दूध नहीं हो हम इस्तेमाल कर सकते, मतलब इस जितनी गाढ़ा है उसकी चीज़ है, उतनी प्योर चीज़ आप इसको इस्तेमाल करोगे इतनी टेस्ट आएगा। मतलब इसको पकाना टाइट होता है, मतलब 2 से 3 घंटे इनको पकाना पड़ता है। सर ये 120 की है, मेवे वगैरह होते हैं सर, बादाम, पिस्ता, काजू ये वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं इसके साथ। ये ज़्यादातर सर्दी में यूज़ होती है। पीने का फ़ायदा ये सर मतलब लोग इस्तेमाल करते हैं कि अच्छे के लिए, सर्दी से बिल्कुल मतलब लोग सर्दी की सीज़न में ज़्यादा पीते हैं और गर्मी में इतनी यूज़ नहीं होती, ये सूप से कम मतलब यूज़ नहीं करते लोग।